जी, तो एएस लेवल अकाउंटिंग में हम पढ़े हैं। एएस लेवल का हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स का, और कंपनी अकाउंट्स में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरी बुक का, अक्टूबर नवंबर 1922 का ये क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 1922। ये जो क्वेश्चन है ना, ये कंपनी से रिलेटेड और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिलेटेड, यानी कंपनी में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उन्होंने साथ तय किया है। हाँ होता है, पार्टनरशिप का भी होता है, पार्टनरशिप का सवाल आएगा आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आर लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 30 जून एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। 10% डिबेंचर दिए हुए, इन्वेंट्री है 45,000, अदर रिसीवेबल्स इंश्योरेंस है, ये प्रीपेड इंश्योरेंस भी कह सकते हैं इसको, अदर पेबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, ये अक्रूड है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेबल है 500 का साल के स्टार्ट में। और कहते हैं डिबेंचर आपको पता नॉन करेंट लाइबिलिटी होती है आपकी जी। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द शेड्यूल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, कॉस्ट ये नॉन करेंट एसेट्स की लैंड एंड बिल्डिंग की 3,50,000, और रिवैल्यूशन हो रही है 1 लाख से, तो आपका जो लैंड है वो बढ़ के हो गया 4,50,000। फिक्सचर एंड फिटिंग 75,000, मोटर व्हीकल 2 लाख की है, उस पर डेप्रिसिएशन भी हो चुकी है और नेट बुक वैल्यू भी दी हुई है। द कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस बट वॉज एबल टू प्रोवाइड द फॉलोइंग समरी ऑफ इट्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिकॉर्ड सारा उसका खराब हो गया और उसके बाद ये डाटा ही अवेलेबल है, ये किसी डेटाबेस में मौजूद है। टेकिंग्स बैंक दी हुई है 2,86,000, परचेजेस है, इंश्योरेंस दी हुई है आपको, मोटर व्हीकल एक्सपेंस है, वेजेस एंड सैलरीज सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, मोटर व्हीकल है, डिबेंचर इंटरेस्ट भी दिया हुआ है आपको। ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर थ्रू द बैंक अकाउंट एंड ऑल सेल्स एंड परचेजेस वर ऑन कैश बेसिस। परचेजेस जो लिखी हुई है क्रेडिट साइड पर वो कैश परचेज दी है, और टेकिंग्स जो बैंक बैंक उसने जमा कराएंगे ये सेल्स ही होंगे आपके, सारी टेकिंग्स बैंक लिखी हुई है, ये सेल्स ही हैं आपके सब। अगर हम सवाल में गौर करें तो ये जो डेटा उसने दिया हुआ है ये किस डेट का है, ये है 30 जून का, और नीचे जो उसने बताया है वो 30 जून 2019 का बताया, तो वो डेटा ओपनिंग है पिछला सारा। कंपनी डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, फिक्स एंड फिटिंग 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, मोटर व्हीकल 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और लैंड एंड बिल्डिंग पर डेफिसिएशन नहीं है। कहता क्या है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट 30 जून 2019, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट कॉस्ट 42,000 इंक्लूडिंग डैमेज्ड इन्वेंट्री कॉस्टिंग 5,000, दिस कुड बी रिपेयर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 450 एंड सोल्ड फॉर 5,100। ठीक है जी, अगर आप उसकी मुरम्मत करवाएं, कॉस्टिंग कॉस्ट उसकी 5,000 है, लेकिन 450 खर्चा करके आप उसको 5,100 का बेच सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ 750 फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 31 जुलाई वॉज आउटस्टैंडिंग, आपका साल का खत्म हो रहा है 30 जून को, इसका मतलब है 1 महीने की जो 2 महीने की जो इंश्योरेंस है वो आपकी क्या है, पेबल है, अक्रूड है। आउटस्टैंडिंग है मतलब पेबल होती है, 3 मंथ्स का मतलब मई जून और जुलाई, जुलाई की तो हमने पे नहीं करनी, लेकिन मई और जून की आपको पे करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्लूड 600 फॉर द 3 मंथ्स एंडिंग 31 अगस्त, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपको दी हुई है वो प्री पेड है, किसकी, जुलाई और अगस्त की, 2 महीने, 400। एक्सपेंसेस आर स्प्लिट एज फॉलोज, इंश्योरेंस चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस, मोटर व्हीकल चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरीज स्प्लिट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन 4:1 से, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस चार्ज टू एडमिन एक्सपेंस। प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, कहते हैं कि आपने बनानी है, वर्किंग जगह भी दी हुई उसने, और फिर डिफरेंस कहता है कैपिटल रिजर्व का निकालना है, इश्यू ऑफ शेयर और डिबेंचर के वाले से उसने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो करते हैं इसको हम सॉल्व और बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले आपकी क्या आती है इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर हम लिखते हैं सवाल सेल्स रेवेन्यू, तो रेवेन्यू पे अगर हम इस सवाल में गौर करें रेवेन्यू के हवाले से, तो रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और ये भी याद रखिए कि ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है, इसका मतलब है आपका क्रेडिट सेल्स नहीं है, तो जो भी सेल्स है वो सारी कैश सेल्स है, और सारी कैश सेल्स जो है वो हमें यही दी है, टेकिंग्स बैंक जो है ना ये कैश सेल्स दी है, कि वो कहते हैं कि आप सारे जो भी सेल्स आपकी होती है आप बैंक में जमा करा देते हैं, जो टेकिंग्स बैंक है आपकी वही आपकी सेल्स कंसिडर की जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट में बनाता हूँ, स्टार्ट हम करेंगे किससे जी, रेवेन्यू से। रेवेन्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 2,86,000,
कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल में आपकी क्या आती है बेटा, ओपनिंग इन्वेंटरी एंड परचेजेस और नेट क्लोजिंग इन्वेंटरी। देखते हैं ओपनिंग इन्वेंटरी हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में। ओपनिंग इन्वेंटरी आपको दी गई है 45,000 की और परचेजेस कितनी दी गई है आपको, ये लिखी हुई है 135,000। ओपनिंग इन्वेंटरी हम यहाँ लिख लेंगे जी 45,000, परचेजेस क्वेश्चन में दी हुई है 135,000, और क्लोजिंग इन्वेंटरी हमें फाइंड करनी है। असल में दी गई होगी लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। वो कहता है कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी में एक अमाउंट शामिल है जो कि आपकी बिकती है कितने की, 5,100 का वो सेल होता है, 5,100 का सेल होता है। अगर उस पर 450 रुपये खर्चा करें तो आपकी जो एनआरवी है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, जैसे आपको पैसे मिलते कितने हैं, बेचकर 5,100 माइनस 450, एनआरवी कितनी आ जाएगी। माइनस जी 4,650, 4,650 जो है वो आपकी आ जाएगी एनआरवी। आप देखिए कि आपकी जो कॉस्ट में कितना शामिल किया हुआ आपने 5,000, तो कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो कम है उस पर आप रिकॉर्ड करते हैं इन्वेंट्री को। तो आपको पता है एनआरवी कम है, क्या करेंगे हम 42,000 उसमें से जो 5,000 है वो माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे जो कम वाली वैल्यू है 4,650, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। क्योंकि 5,000 की कॉस्ट की वैल्यू शामिल है लेकिन असल में उसकी वैल्यू 4,650 है, आपने कम वाली रिकॉर्ड करनी है, तो 5,000 माइनस है कि 4,650 ऐड कर देंगे जी, 4,1650 आपका आंसर आ जाएगा। और वो 4,1650 जो है ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि आपको लिखनी है सवाल के अंदर। लिखते हैं हम इधर, आपकी आ जाएगी थी क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,1650। इनका इसको आंसर इसका देखें क्या आ रहा है, ठीक ये आपका आ जाएगा जी 1,383,350, और ये हम सेल्स में से माइनस कर देंगे तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 1,47,650 विल बी योर ग्रॉस प्रॉफिट जी। ऑपरेटिंग इसमें से लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपका क्या आएगा जी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और आपका क्या आएगा जी एडमिन एक्सपेंस। अब उसकी हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, वो हम करते हैं कैसे करेंगे जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन में कहते हैं मोटर व्हीकल एक्सपेंस सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूशन में ही आना है ना, और वेजेस एंड सैलरीज का भी 4/5 डिस्ट्रीब्यूशन में आना है। हम देखते हैं सबसे पहले देखते डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में बेटा आपका एक तो आएगा मोटर व्हीकल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 10,000 का। देखिए मोटर व्हीकल एक्सपेंस ऊपर तो नहीं दिया हुआ कहीं, नहीं है स्टार्टिंग से कुछ नहीं दिया हुआ। मोटर व्हीकल एक्सपेंस आपका दिया हुआ 10,000 का, देखिए उसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं नीचे मोटर व्हीकल एक्सपेंस की, वो भी मौजूद नहीं है। सारे डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है हमारा, यहाँ पे आ जाएगा जी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया मोटर व्हीकल एक्सपेंस सही 10,000 वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, 10,000 वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज हैं, कहता है स्प्लिट बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन 4:1 के हिसाब से। वेजेस एंड सैलरीज का 4/5 जो है ना मान भाई वो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में। देखते हैं वेजेस एंड सैलरीज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना, वो डिस्टर्ब करेगी ना, नहीं है। तो वेजेस एंड सैलरीज हमें कितना दिया हुआ है 45,000 का, इसका 4/5 निकाल लें वो आपका इसमें चले जाएगा। यानी 45,000 का 4/5
6,000। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट क्या है, मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन है, चार्ज टू डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सारी की सारी। मोटर व्हीकल पर डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% पर एनम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स। देख लेते हैं बेटा, मोटर व्हीकल हमें कितना दिया हुआ है, 2 लाख का, 2 लाख है ना कॉस्ट, और उसकी बुक वैल्यू कितनी आती है, 1,50,000। असल में बुक वैल्यू 1,50,000 है साल के स्टार्ट में, और आपने नया मोटर व्हीकल भी परचेज किया कितने का, 50,000 का, तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख। और 2 लाख का आपने कितने परसेंट निकालना है, 20% उस पर आ जाएगी उसकी डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हम लिख लेंगे जी, डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल 2 लाख का 20%। उसके बाद आपका आता है जी इंश्योरेंस से 750 फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 31 जुलाई वाज आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, तो इंश्योरेंस के बारे में उसने बताया, वो एडमिन में जाना है। मोटर व्हीकल एक्सपेंस वैसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वेजेस भी आ गई हैं, और कोई चीज जो रह गई हो बेटा, देखें इस हवाले से, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के हवाले से अगर कोई चीज रह गई है वो हम देख लेते हैं। देखिए और तो कुछ नहीं है, ठीक है, टोटल करें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का, देखें कितना आता है। देखिए वो हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, 86,000 की हमारी आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसके बाद आपकी आती है ये एडमिन कॉस्ट, उसको हम देखते हैं। एडमिन कॉस्ट में सबसे पहले अगर आप गौर करें तो इंश्योरेंस की बात करते हैं हम। इंश्योरेंस वो कहता है कि जो दी हुई इंश्योरेंस वो 12 साल की है जो पेड है, और इंश्योरेंस वो कहता है जी आपने एडमिन एक्सपेंस में डालनी है। इंश्योरेंस 750 फॉर द 3 मंथ्स वॉज आउटस्टैंडिंग, तो ये अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, ओइंग है, लेकिन कितने मंथ्स की आनी है, 2 महीने, क्योंकि हमारा साल खत्म हो रहा है सर जून में। जुलाई और अगस्त की जो इंश्योरेंस है वो पेबल है। 750 × 2/3 वो आपकी कितनी आ जाएगी, 500। तो 500 जो है वो इंश्योरेंस आपकी पेबल है। अकाउंट भी बना सकते हैं, वो ऐड कर देंगे आप 500 12,000 में, और जो पीछे दी हुई है इंश्योरेंस बेटा, अदर रिसीवेबल इंश्योरेंस जो दी हुई है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आप समझ आइए कब, इसलिए मैंने आपसे हमेशा कहता हूँ कि अकाउंट बनाना अच्छी बात होती है। अकाउंट बनाएंगे तो उसमें गलती के चांसेस फिर नहीं रहते, और अकाउंट नहीं बनाएंगे तो गलती के चांसेस होते हैं उसके अंदर। तो देखें इंश्योरेंस का अकाउंट बना लेते हैं। हाँ नहीं, देखिए आपकी आ जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड ब्रॉड डाउन, और वो मेरे पहला क्वेश्चन में कितना दिया है, हमें पीछे नहीं दिया है इंश्योरेंस ये करा के। इधर आपकी आ जाएगी कैश फिगर 10,000, और इधर आपकी आ जाएगी बना रूट कैरेट डाउन, तो कितनी है 500। इधर आपकी आ जाएगी जी इनकम स्टेटमेंट फिगर, तो चाहिए और वो कितनी आएगी 11,500। माइनस नहीं होना, तो आइडिया होगा ये अकाउंट होना बेहतर होता है, गलती नहीं होती इसमें। 11,500 आपकी आ जाएगी इंश्योरेंस, तो आपने किसको लिखनी है सारी की सारी एडमिन में। उसके बाद बात करते हैं किसकी हम, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट की। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अदर पेबल दिए हैं 500 के, यानी इंक्लूड ब्रॉड डाउन, और इलेक्ट्रिसिटी जो आपने पे की है वो कितनी दी हुई है, 2,700 की, जो पेड फिगर है वो 2,700 है। और 2,700 के अंदर अगर आप देखें, यानी फिक्सर फिटिंग की डेफिनेशन, अच्छा ठीक, 2,700 में अगर आप देखें
एक्सिटी को कहता है 600 की जो है वो प्रीपेड भी है, 600 में से 2 महीने की प्रीपेड, जुलाई और अगस्त, 400 जो है वो प्रीपेड है आपकी। तो एक्सिटी कितनी दी हुई है आपको, 2700। सेवन हंड्रेड माइनस 400, और जो ऊपर दी हुई है ना बेटा वो क्रूड है, क्रूड दी हुई इलेक्ट्रिसिटी ऊपर, वो भी क्या हो जाएगी माइनस, तो वो भी माइनस है, वो कितनी दी हुई ऊपर अगर हम देखें तो वो दी हुई 500 के अंदर टेबल। मैंने क्या आता है आंसर 1800 इलेक्ट्रिसिटी का आ रहा है, डिप्रिसिएशन है पिक्चर पे, तो देखते हैं कितनी है। पिक्चर दिया हुआ आपको 75,000 का, और उस पर डिप्रिसिएशन जो आप निकाल रही हैं वो 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो किस पे निकालेंगे बेटा फिक्सचर एंड फिटिंग, 75,000 माइनस 35,000, 40,000 का 10%। निकालनी है ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड जो है, 4,000 आ जाएंगे। आगे देखते हैं और के एक्सपेंस जो के रिलेट कर रहा हूँ इससे आपके एडमिन एक्सपेंसेस के साथ, इन्वेंटरी इंश्योरेंस का कर लिया, नेक्स्ट ईयर कर लिया बेटा, बिजनेस सर्विस दिखनी है आपने कितनी आ जाएगी 9,000। टोटल एडमिन एक्सपेंसेस का सत्रह ये क्या आ रहा है, लाख 17,300 जी। सर और दिशु मन है यार, सही कह रही है, मन भर खाली देखा किया मन भर खाई, मन भर खाई भी आता है वही ठीक है, मन भर खाई 9,000 ही है ना, 2,633,000 ये आपका टोटल आ जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस का, 2,633,000। ऊपर कहीं कोई एडमिन एक्सपेंस मिनिस्टर सर मिनट बन ठीक है, आधे का 1,123,000 ये हम माइनस कर देंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा ना, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, गए ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ जाएगा 3,535,000। कर देंगे फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आप देखें कितनी दी है, डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट उस बार भी फाइनेंस कॉस्ट होती है, 75,000 की डिबेंचर है आपके नॉन करेंट लायबिलिटी में, उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे 10% तो कितना आएगा 7,500। उसमें से वो कहता है कि आपने डिबेंचर इंटरेस्ट 3,750 का जो है वो पे कर दिया है, जो बाकी है वो आपने पे करना है। डिबेंचर इंटरेस्ट याद रखिएगा सारे ही आना है, पूरे साल पे ही आना है, पूरे साल आपका एंड हो रहा है ना, इंटरेस्ट आप पूरे साल पे लिखते हैं, जिस साल का होता है उस साल पूरे साल का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे आपने पे किया हो या ना किया हो। यहाँ पे कितना माइनस कर दिया 7,500, 75,000 का 10%, 7,500 पूरा माइनस होगा तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,785। सही कह रहे हो, देख लीजिए टाइम, प्रॉब्लम आसान है,
लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का कंपनी के साथ उसने हेज किया है, स्पेशल एक्सपेंसेस के हवाले से उसने काफी अकाउंट बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये सारा जो सेल्स एसएलसी या पीएलसी नहीं बनना, वो ही बन सकता है। हाँ सर जी बताएं क्या कह रहे हैं जी। गलती से हो गए। अच्छा करते हैं जी, कहता स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व्स आर जनरेटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा, कैपिटल रिजर्व्स कैन नॉट बी यूज्ड टू पे डिविडेंड्स, रेवेन्यू रिजर्व्स आर यूज्ड टू पे डिविडेंड्स। हम कहते हैं जी, एडिशन इन्फॉर्मेशन में आर लिमिटेड इज प्लानिंग टू एक्वायर अ न्यू बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस। द डायरेक्टर्स आर कंसीडरिंग टू ऑप्शंस टू फाइनेंस द एक्विजिशन। इशू शेयर कर रहे हैं और दूसरा इशू फर्दर डिवेंचर कर रहे हैं। एडवाइज दैट व्हिच ऑप्शन शुड बी चोजन टू रेज फाइनेंस टू एक्वायर द बिल्डिंग, जस्टिफाई योर आंसर। पहली बात यह है कि हम इशू शेयर की तरफ जाएंगे, बिकॉज इफ यू इशू शेयर्स देन you have to pay dividends on those shares, but that dividend will be paid only when there is a profit. In case of loss, you don't need to pay any dividend. दूसरा जो है, कंपनी का जो कैपिटल है उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा, कंपनी का कैपिटल इंक्रीज कर देगा, विच विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। डिवेंचर अगर आप इशू करते हैं तो एक रिस्की प्रोसेस होता है। डिवेंचर इज ए बेसिकली रिस्की प्रोसेस बिकॉज दे नीड टू बी रिटर्न बैक। सेकेंडली, डिबेंचर पर आपको इंटरेस्ट हर साल पे करना पड़ेगा, आइदर यू आर हैविंग ए प्रॉफिट और लॉस, वो तो पे करना। प्रॉफिट आपका डिक्रीज कर जाएगा और मे भी आपको कोई कोलेटरल रखवाना पड़े लोन डिबेंचर इशू करते वगैरह। सर जी, सर मैंने कंपनी की आपसे पहले ले ली है लेक्चर, तो मैं लीव कर सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। ये सवाल वैसे मैंने नहीं कराया था। जी आपने करवाया भी नहीं, लेकिन मेरे टेस्ट में आया था मेरे। थैंक हाँ ठीक है, चलो ओके हो गया। यू सर, योर लॉसेस। हम कहते हैं स्टेट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू ए बिजनेस ऑफ मेकिंग ऑल सेल्स ऑन कैश बेसिस ओनली। बताएं कैश बेसिस पे देयर विल बी नो चांस ऑफ बैड डेट्स। डिसएडवांटेज क्या है, योर सेल्स मे डिक्रीज बिकॉज यू मे लूज ऑल क्रेडिट कस्टमर्स। नो बैड डेट्स, देयर विल बी नो बैड डेट्स। ठीक है जी, और डिसएडवांटेज ये कि आप कैश पे सारी खरीदेंगे तो सेल आपकी हेम्पर होगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि तो क्रेडिट पे जो लोग खरीदते थे वो आपसे नहीं परचेज करेंगे। फिर ऑफ मेकिंग ऑल परचेजेस ऑन ए कैश बेसिस होंगे, उसका एडवांटेज क्या है, सप्लायर विल बी हैविंग गुड रिलेशन विद यू, सप्लायर विल बी सेटिस्फाइड विद योर जो है ना ऑप्शन। फिर ये कि हो तो सकता है डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है। और डिसएडवांटेज तो उसकी है यही है कि नहीं, सो ये है कि यू हैव टू पे कैश फ्रंट एट द फ्रंट, अदरवाइज क्रेडिट परचेज में यू विल बी हैविंग मच मोर टाइम, देयर विल बी नो क्रेडिट पीरियड, तो आपको परचेज के लिए पेमेंट फॉरन करनी पड़ेगी, तो आपकी लिक्विडिटी इश्यू हो सकती है। खत्म हो गया सवाल। कहता है जी कैलकुलेट द टोटल डिविडेंड पे, कैसे निकालेंगे, निकाल के दिखाएं सर। कहता है 0.05 पर शेयर डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, यानी डिविडेंड आप पे कर रहे हैं 0.05 पर शेयर, टोटल डिविडेंड पे कैसे निकालेंगे। ओके okay.